हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM। आज हम सब जानेंगे क्या मीनिंग है, क्या डिफिनेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, क्या फीचर है, कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कंपोनेंट क्या हैं और टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन क्या है। तो चलिए अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इंटरेक्टिव नेटवर्क है। सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मटेरियल में यूज़ होता है, चाहे वह रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो। और साथ ही साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट में भी मल्टी फंक्शनल प्रोसेस में यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिलीवरिंग में क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे कस्टमर को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल सके। और प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। और इसी के अकॉर्डिंग टू कॉपर इलैंड ने भी यही कहा था। उसके बाद कंसेप्ट आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो इसका एक रोड मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम करता है। जैसे पहले रॉ मटेरियल हुआ, कंपोनेंट्स हुए, मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाके उसके बाद कंज्यूमर के पास जाता है, एंड यूज़र जो होते हैं। तो एक ये रोड मैप होता है जिसके थ्रू ये काम करता है। उसके बाद फीचर क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो पहला है इंटीग्रेटेड बिहेवियर, मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है विभिन्न स्टेक होल्डर से, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर टू कस्टमर तक। दूसरा दोस्तों, म्यूचुअली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके म्यूचुअली उनके साथ म्यूचुअली इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, स्पेशली जो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं। तीसरा दोस्तों, म्यूचुअली शेयरिंग चैनल रिस्क एंड रिवार्ड। इसमें यह होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितने भी रिस्क एंड रिवार्ड होते हैं इविडेंटली यानी फुल प्रूफ के साथ शेयर करना चाहिए जो इन्वॉल्व है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। चौथा दोस्तों, कोऑपरेशन। यह हमको यह बताता है कि कोऑपरेशन को सप्लाई चेन चैनल मेंबर के साथ और साथ ही साथ मैनेजमेंट के साथ भी करना चाहिए कोऑपरेशन। बच्चा दोस्तों, फोकस सेविंग कस्टमर्स, मीन्स अगर हम इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहते हैं तो एवरी मेंबर को शेयर करें अपने कॉमन गोल को और ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद दोस्तों, पांचवा जो है, छठवा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोसेस तभी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है जब तक इंटीग्रेशन हो विभिन्न प्रोसेस में, लाइक प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स ETC के साथ। सातवां दोस्तों, पार्टनर टू बिल्ड एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेनेंस करने और बिल्ड करने अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके कंसेप्चुअल मॉडल क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो इसके दोस्तों पहला है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स जो टोटल कास्ट लगती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वह मेनली प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कास्ट इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट में, यह हम लोग देखेंगे। तो पहला दोस्तों, एक मैनर हो प्रोक्योरमेंट डिसीजन का। दूसरा, प्रोसीजर और मेथड इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए बिजनेस फर्म को, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहिए सप्लायर से, नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की तथा मार्केट एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए प्रोक्योरमेंट के थ्रू। उसके बाद दोस्तों, प्रोसेसिंग में एक वे होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम करता है, जैसे प्लान हम लोग करते हैं, उसके बाद सोर्स को देखते हैं, उसके बाद उसको मेक करते हैं, उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद कस्टमर के पास जब डिलीवर हो जाता है तो उसको रिटर्न फैसिलिटी देते हैं जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइज हो। तो एक प्रोसेसिंग होता है, जैसे प्रोसेसिंग में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन फोकस यह होना चाहिए कि जो लार्ज स्केल पे इन्वेंट्री कास्ट है उसे मिनिमाइज करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। एक्चुअली में डिमांड से ज़्यादा, क्योंकि अधिक प्रोडक्शन लागत को कम करता है। उसके बाद तीसरा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाते चले आए हैं जिसे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस गुड्स ओनली, लेकिन सप्लाई चेन मॉडल
का प्राइमरी फंक्शन यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को मैनेज करें डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब सप्लाई हमें राइट गुड गुड्स को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे ही पहुंचाना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो इसके दोस्तों कई ऑब्जेक्टिव हैं जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला है सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यह हो कि जो इंड यूजर हैं उन्हें सुपीरियर सर्विस प्रोवाइड किया जाए। दूसरा दोस्तों सिस्टम ओरिएंटेशन, यह एक कोर है सप्लाई चेन का जिसके थ्रू कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है सभी चैनल मेंबर के साथ। तीसरा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एंड इफिशियंसी, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्थली एग्जिस्टेंस ऑफ ए फर्म के लिए। उसके बाद चौथा है मिनिमाइज टाइम, उसके बाद हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें कम टाइम में हम अधिक प्रोड्यूस करें। पांचवा है मिनिमाइज वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क इन प्रोग्रेस में जितने भी बैरियर्स होते हैं उनको आप मिनिमाइज करें। उसके बाद छठवां इम्प्रूव क्वालिटी, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और अपनी ब्रांड की क्वालिटी पे इमेज जो कंपनी की इमेज है उसकी क्वालिटी में हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव करें। उसके बाद सातवां दोस्तों डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन का, जो ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट है वो उसको भी हम लोग डिक्रीज करने की कोशिश करें। उस अठारह दोस्तों डिक्रीज अवेयर हाउसिंग कास्ट, जो भी अवेयर हाउसिंग कास्ट है उसको भी हम लोग डिक्रीज करने की कोशिश करें, डिलीवर करें थ्रो टाइमली टाइम टू टाइम। साथ ही साथ इम्प्रूव करें वैल्यू को, जैसे ब्रांड की कंपनी की इमेज की और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, और उसके बाद सप्लायर के साथ वैल्यू हमारा इम्प्रूव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो पहला है दोस्तों इनबाउंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इनबाउंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि इनबाउंड सप्लाई चेन का यह मेन एक्टिविटी यह है होता है कि रॉ मटेरियल एंड डिफरेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा दोस्तों इन हाउस सप्लाई चेन मीन्स इसमें फिजिकली कॉन्फ़िगरेशन और कन्वर्जन प्रोसेस मेनली मैनेज किया जाता है। इन हाउस सप्लाई चेन में जैसे बहुत से सप्लायर रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बनाते हैं तो उनको परचेज करके हम प्रोडक्शन करते हैं फिनिश गुड्स को, तो ये इन हाउस सप्लाई चेन में आता है। तीसरा दोस्तों आउटबाउंड सप्लाई चेन, यह मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू फाइनल कस्टमर्स। बेसिकली इसमें नेटवर्क डिज़ाइन, लॉजिस्टिक प्लानिंग, मैनेजिंग कस्टमर इंटरफेस, चैनल कोऑर्डिनेशन, वेयरहाउसिंग, चैनल मैनेजमेंट, इन सभी एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है आउट बॉन्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि रॉ सप्लाई चेन इस क्या होता है। तो यह सबसे बेसिक सप्लाई चेन होता है और इसे बहुत लाइटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है। दूसरा दोस्तों रिपेयर सप्लाई चेन, यह सप्लाई चेन तब यूज़ होता है जब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर ली है और क्या चाहती है अचीव करना, इन सब का एक वेल ऑर्गेनाइज रोड मैप तैयार करता है। तीसरा दोस्तों इंटरनल सप्लाई चेन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑपरेशन को वेल ऑर्गेनाइज करती है और मैनेज करती है। चौथा दोस्तों एक्सटर्नल सप्लाई चेन, यह इंटरनल सप्लाई चेन कंसेप्ट है। पांचवा दोस्तों सेल्फ मेंटेन्ड सप्लाई चेन, यह बेसिकली कंपनी सेंट्रिक होता है ना कि कस्टमर सेंट्रिक होता है, इसमें कंपनी सेल्फ मॉनिटरेट करती है। और छठा दोस्तों आउट सोर्स सप्लाई चेन, मीन्स आउटसोर्स जितने भी आउटसोर्सेज होते हैं सप्लाई चेन के उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन सप्लाई चेन मीन्स सतों जो है तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो सप्लाई चेन है जैसे कि हम किंदा प्रोडक्शन करें किस अकॉर्डिंग करें तो वो सब इसमें होता है। अठारह मार्केट ओरिएंटेशन सप्लाई चेन, तो मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या कंडीशन है, कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रिफरेंस करती है, हमारा मार्केट सेगमेंट क्या है, तो इस अकॉर्डिंग अपना सप्लाई चेन हम लोग बिल्ड करते हैं। वैल्यू चेन मीन्स जो भी हमारे चैनल्स होते हैं सप्लाई के गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उनको हम देखते हैं।